हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी क्लासेस। एज यू नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स स्किल्स रिलेटेड टू ग्रामर। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं लैंग्वेज के बारे में आपसे बात कर रहा था, भाषा के भाषाई कौशल क्या होते हैं, और मैंने उस पर प्रकाश डाला, उसको थोड़ा सा व्याकरण से ग्रामर से जोड़ने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में यानी आज के इस क्लास में हम लोग व्याकरण को ही समझेंगे। ये मान के चलिए कि आज का जो वीडियो है वो व्याकरण का परिचय वीडियो है, यानी दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर ग्रामर। आप इसे ग्रामर का एक परिचय वीडियो भी कह सकते हैं। तो चलिए आज हम समझने का प्रयास करते हैं, या अगर हम समझ लिए हैं तो उसकी पुनरावृत्ति का प्रयास करते हैं कि आखिर ग्रामर है क्या, या किस तरह का अध्ययन शास्त्र है, इसको किस तरह से पढ़ा जाए, इसमें क्या होता है और इसका क्या उद्देश्य है। इन सब बातों को डिटेल तो नहीं कह सकते, लेकिन डिटेल्ड लाइक ही हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे टर्म पहले से लिख रखा है, ग्रामर, इसका प्रोनंसिएशन है ग्रामर, व्याकरण, ठीक है, वह है व्याकरण। स्टूडेंट्स, पहले मैं इसमें जाने से पहले ये बताऊंगा कि ये जो संसार है, हमारा जो पृथ्वी है, इसको ज्ञान की दृष्टि से दो भागों में बांट करके ही विद्वत लोग देखते हैं, एक पश्चिमी संसार और एक पूर्वी संसार, ओरिएंटल कंट्रीज और ऑक्सीडेंटल कंट्रीज। तो जो पूर्वी देश हैं, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देश हैं, उनके लिए अगर हम बात करें, जिस भाग में हमारा भारतवर्ष आता है, तो हमारे यहाँ व्याकरण का जो अध्ययन है उसको हम लोग, उसका एक अपना अलग अर्थ है। जैसे वो शब्द, जैसे मैं पहले पूर्वी देश की व्याख्या करता हूँ, पहली टॉपिक पे मैं अपना टर्न कर चुका हूँ, हम लोग व्याकरण क्या है इसी पर चल रहे हैं। तो अगर हम अपने भारतीय परिवेश की बात करें तो शब्द ये है व्याकरण। हम पूर्वी लोग इसको यही शब्द देते हैं, व्याकरण। अब देखो स्टूडेंट्स, हर चीज़ का, हर जब शब्द निर्माण होता है तो उस शब्द की एक परिभाषा बनती है, एक डिफिनेशन बनता है, लेकिन उस शब्द का एक अर्थ होता है। अर्थ थोड़ा सा संकुचित होता है, लेकिन जब उसकी परिभाषा बनती है तो वो बड़ी व्यापक हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग व्याकरण शब्द के अर्थ को, इसके अंदर निहित आशय को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी के शब्दावली या अर्थ निर्माण विभाग के दृष्टि से देखा जाए, शब्द निर्माण बनाने की पद्धति, जिसको अंग्रेजी में एटिमोलॉजी कहते हैं, अगर उससे देखा जाए तो व्याकरण का सीधा अर्थ है भेद। व्याकरण का सीधा अर्थ है अलग करना, अर्थात भेद करना। भेद मतलब किस चीज़ में भेद करना, तो शुद्ध अशुद्ध में भेद करना, ये इसका अर्थ है, परिभाषा में नहीं बता रहा। तो इसका एक सेंस हो गया कि शुद्ध अशुद्ध में हम भेद करना जानते हो। व्याकरण का अर्थ एक डिस्क्रिमिनेशन, एक सेपरेशन हो। अगर इसको और गहराई में हम जाएं थोड़ा सा, तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण, जब विषय के रूप में हम इसको बात करेंगे, तो जो व्याकरण है एक शास्त्र है। व्याकरण जो है वो एक अपने आप में एक ज्ञान का पुंज है। थोड़ा सा इस पर मैं यहाँ रोक रहा हूँ, थोड़ा सा इटिमोलॉजी में इसका भी जिक्र कर देता हूँ। अगर वेस्टर्न शब्द अगर हम लेते हैं, जैसे जो ग्रामर वर्ड है स्टूडेंट्स, अगर इसकी हम व्याख्या करें, तो ये जो शब्द बना है आज, जो इंग्लिश का ये वर्ड दिख रहा है, वो मूल रूप से आपके ग्रीक का वर्ड जो है, ये है ग्रामा, इसी से बना हुआ है। ग्रामर की जो इटिमोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड ग्रामा से बना हुआ है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में जो ग्रीक वर्ड है, यानी जो ग्रीस देश में बोले जाने वाली भाषा है, ग्रामा, इसका मतलब होता है
आर्ट ऑफ लेटर्स, ध्यान रखिएगा मैं इसके शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, परिभाषा नहीं बता रहा। तो पाश्चात्य लोगों ने ग्रामा से, यानी ग्रीक के जो ग्रामा वर्ड है, आर्ट ऑफ लेटर्स यानी अक्षर लिखने की कला, वर्ण लिखने की कला ग्रामा है, वहाँ से उनका ग्रामर डेवलप हुआ है और हमारे यहाँ व्याकरण विभेद से हुआ है, अलग करने से हुआ है। अब थोड़ा सा इसके परिभाषा में हम चलेंगे कि आखिर इसकी परिभाषा क्या बने, व्याकरण का डेफिनेशन क्या बने। तो पहले मैं ओरिएंटल कंट्रीज की ही बात करूँगा जहाँ हम लोगों का जन्म हुआ है। स्टूडेंट्स, इस कंट्री में जहाँ हम लोग पैदा हुए हैं वहाँ माना जाता है कि जो ज्ञान का सोर्स है, जो ज्ञान का स्रोत है, वो वेद है। और वेद के 6 अंग बताए गए हैं स्टूडेंट्स, 6 पार्ट्स बताया गया है वेद का, उसमें से एक अंग जो है व्याकरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ व्याकरण वेदांग के नाम से भी जाना जाता है, यानी यह एक वेद का अंग है। वेद के जो 6 भाग बताए गए हैं उसमें से एक बहुत प्रमुख है, इसका नाम है व्याकरण। इसके बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में पुराने जमाने में इसकी जब शुरुआत हुई तो इसके प्रणेता माने जाते हैं महादेव जी, यानी भगवान शंकर। उनके कृपा से ही, मतलब उनके डमरू से ही ध्वनि का विस्तार हुआ, फिर ध्वनि से फिर सूत्र बने जो माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं, और जिसके ग्रहण करने वाले पाणिनि थे। उसके बाद यक्ष का नाम आता है, पतंजलि का नाम आता है, कात्यायन का नाम आता है। पाणिनि जी के अष्टाध्यायी बहुत ही वेल नोन, जो माइलस्टोन ऑफ संस्कृत व्याकरण मानी जाती है। तो हमारे यहाँ ये पुराने जो व्याकरण का एक ग्रंथ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और मैं जोड़ दूँ, जैसे कोई भी भाषा होता है स्टूडेंट्स, तो उस भाषा के 2 भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है गद्य और एक हो जाता है पद्य। तो यहाँ मैं ये फिर बताना चाहूँगा कि ऐसे कोई भाषा है, मान लीजिए जो उसका प्रोज है, और उसी भाषा की मान लीजिए पोइट्री है, तो ये जो प्रोज है, अब परिभाषा की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसका रिलेशन होता है ग्रामर से मोस्टली, और जो पोइट्री है इसका रिलेशन होता है प्रासडी से। देखो ये भी व्याकरण का, ये भी वेद का एक अंग है, छंद शास्त्र। 6 शास्त्रों का भी वर्णन अपने संस्कृति में, तो वहाँ एक शास्त्र है छंद शास्त्र। तो अब यहाँ से हम जानेंगे कि जो गद्य है, ध्यान रखेंगे, उससे संबंध है व्याकरण का। तो अब एक परिभाषा निकल के आ गई, कुछ विद्वत्तों का मानना है कि जो वेद का मुख है ये व्याकरण, वेद का मुख है। तो अभी का अर्थ हम निकाल लेंगे कि व्याकरण है क्या। यहाँ से अगर हम पूर्वी देशों की बात करें तो यह एक ऐसा शास्त्र है, ये एक वेद का ऐसा अंग है जिसका उद्देश्य है भाषा को उसके शुद्ध रूप में विकसित करना। भाषा को, जैसे कल के वीडियो में मैंने कहा कि जो भाषा के जो स्किल्स होते हैं, जो लैंग्वेज के स्किल्स होते हैं, लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, इन सभी स्किलों को आचार्य के रूप में, अभिभावक के रूप में, इन चारों का ठीक से विकास करना, ये व्याकरण का उद्देश्य है। यानी जब कभी आप व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण एक साधन है, और अपने पास पूर्वी जो हमारे देश हैं, जो हमारी परंपरा है, उसके अनुसार व्याकरण शैव परंपरा में आता है, भगवान शिव से निकला हुआ है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो व्याकरण है, अगर उसका अर्थ बैठाया जाए तो व्याकरण का यही अर्थ निकला कि व्याकरण एक शास्त्र है। अब शास्त्र शब्द की थोड़ी सी व्याख्या मैं कर दूं, आप उसे ये समझिए, वो एक संहिता है, एक नियमों का दस्तावेज है, जिसे मनीषियों के तप के द्वारा हमारे पास, हम लोगों के पास भेजा गया है। वह एक ज्ञान का पुंज है। कैसा ज्ञान का पुंज है? जिसमें भाषा की शुद्धता, भाषा के परिष्करण, भाषा के नवनिर्माण की सारी नीतियाँ एक जगह संकलित हैं, जो भाषा में एक नवीनता हमेशा बनाए रखेंगी। तो वो जो नवीनता बनाए रखने की जो प्रेरणादायी ज्ञान पुंज है, उसका नाम व्याकरण है। इसके लिए मैंने बताया, अपने भारत में महादेव जी की कृपा से पाणिनि,
या यक्ष की बात कर लीजिए, या कात्यायन जी की बात कर लीजिए, या महर्षि पतंजलि की बात कर लीजिए, ये सब व्याकरण के स्तंभ रहे भारत में। ऐसे ही स्टूडेंट्स जब हम वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं तो ग्रामर की भी शुरुआत होती है ग्रीस कंट्री से, और वहाँ उन्हीं के समकालीन की अगर अध्ययन हम करें, जैसे यहाँ पर मैंने पाणिनि का जिक्र किया, कात्यायन जी का जिक्र किया, पतंजलि जी का जिक्र किया, जो स्वयं ही शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, तो उस समय जाएंगे लगभग 300 BC की समय की बात है। तो उस समय यूरोप में अगर आप ऑक्सीडेंटल कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ नाम निकल कर के आते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो ग्रामर के वहाँ के फादर रहे हैं। जैसे राइनस का नाम आता है, राइनस, एरिस्टोक्रेटस का नाम आता है, एरिस्टोक्रेटस माने एरिस्टोक्रेटस ये और राइनस दो बड़े नाम आते हैं जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में व्याकरण के लिए बहुत काम किया। और व्याकरण में उनकी जो पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है जो ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखी गई, आर्ट ऑफ ग्रामर उसको कहा जाता है, लिखा गया आर्ट ऑफ ग्रामर, ये उसका ग्रीक वाले का मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में व्याकरण के लिए फिर जैसे ग्रीक का फिर प्रचलन बंद हुआ, फिर लैटिन आया तो कुछ लैटिन में भी किताबें लिखी गई, धीरे धीरे फिर इटालियन में चली गई, इटली के डांटे लिगरी ने बहुत काम किया उस पर, फिर अंग्रेजी में जब इंग्लिश का रिनेसा पीरियड आया तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा जब जॉन वाइक्लिफ में जब बाइबल को जब ट्रांसलेशन किया था तो उस समय उसने कई व्याकरण के सूत्रों का प्रतिपादन किया था। इस तरह से उसका भी अपना एक व्याकरण का सिद्धांत चलता आया और उनके व्याकरण में और हमारे व्याकरण में बहुत समानताएँ हैं और कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा भिन्नताएँ भी होता है। तो ये थोड़ा सा व्याकरण का एक बैकग्राउंड रहा जो आपके बीच में बताया। लेकिन स्पष्ट कंक्लूजन क्या निकला, तो व्याकरण जो ग्रामर है वह एक स्क्रिप्चर है, वह एक शास्त्र है, वह एक कोड ऑफ लॉज है, वह एक डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स है जिसका उद्देश्य है भाषाई कौशल का नियंत्रण करना, उसको शुद्ध बनाना, उसके कमियों को छाटना, निर्छिर विवेकी तू जैसा आपके मन में दिव्यता ले आना था कि भाषा की कमियों को पहचान सकें। तो इसका अध्ययन हमें करना चाहिए। और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जो व्याकरण है उसका जो पकड़ है वो गद्य पे है, व्याकरण का जो नियंत्रण होता है गद्य पे होता है, और जो छंद होता है स्टूडेंट्स जो प्रासडी जिसको कहते हैं उसका नियंत्रण पद्य पे होता है। अभी अलग बात है कि जब कवि अपनी कविताएं लिखता है तो व्याकरण के नियमों को बहुत फॉलो नहीं करता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो व्याकरण को तिलांजलि दे देता है, लेकिन जो पद्य में जिसके नियमों की प्रधानता है उसका नाम छंद है प्रासडी, और गद्य में जिनके नियमों की प्रधानता है उसका नाम आपका ग्रामर है। तो मुझे लगता है कि आप ग्रामर को समझ लिए होंगे। अब यहाँ से अपनी बात को स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा टर्न करता हूँ और आपको ले चलता हूँ दूसरी दिशा में, ये बताने के लिए कि अब व्याकरण कितने टाइप्स के हों, टाइप्स ऑफ ग्रामर, स्टूडेंट ध्यान देंगे। और यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल कन्फ्यूजन से बचा लूँगा, आपको किसी प्रकार का भ्रम ना हो ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन। तो अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रामर के टाइप्स दूसरी टॉपिक हो गई। जैसे पहला मैंने बताया व्हाट इज़ ग्रामर, अब दूसरी मैं टाइप ले लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा एडिंग हो जाएगा टाइप्स ऑफ ग्रामर। इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, व्याकरण के भेद अर्थात क्या, यानी जो हम व्याकरण पढ़ते हैं उसका हम भाषा में किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, उसका भाषा में क्या प्रयोग होता है, किस आधार पर प्रयोग होता है, इस तरह से व्याकरण को देखने के नज़रिया के आधार पे व्याकरण को कुछ भागों में बांटा गया है। कई किताब वाले तो 7-7, 8-8 उन्होंने नज़रिया बनाया है, उस पर बांटा है, लेकिन मैं आपको कन्फ्यूज़न में नहीं डालूंगा, मैं बताता हूँ। एक हो जाएगा आपका सबसे प्रमाणिक रखे ट्रेडिशनल ग्रामर, परंपरागत व्याकरण, यानी वह ग्रामर जो पुराने ज़माने में आदिकाल में जब व्याकरण की शुरुआत किया गया और उसने जिस चीज़ों को जिस रूप में ग्रहण किया, ध्वनि के प्रति, वर्ण के प्रति, रचना के प्रति, वाक्यों के निर्माण के प्रति जो सूत्र बनाए गए उसको हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल ग्रामर एक ऐसा व्याकरण जिसका उद्देश्य है
कि सेंटेंसों के स्ट्रक्चर को कैसे कंपैक्ट करें, कैसे लूज करें, तो उनके एंगल पे ग्रामर वो कह देते हैं कोई स्ट्रक्चरल ग्रामर है। कुछ चेंजेज भी हो रहे हैं ग्रामर में, कुछ रूल्स भी बदल रहे हैं, कहीं कहीं पर स्लाइड चेंज हो रहा है, दूसरे भाषाओं से कुछ चीज़ें सीखी जा रही हैं, तो फिर ग्रामर में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परिवर्तन होते जा रहा है। तो उससे जो नई ग्रामर बन रही है, जैसे पुराने ज़माने में जो इंग्लिश का ट्रेडिशनल ग्रामर होता था उसमें जो होते थे रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स होते थे, मॉडर्न में उसको डिटरमाइनर्स कहा जाने लगा, तो ये हो गया मॉडर्न ग्रामर। तो इस तरह से आपके दो तीन प्रकार के जो मेन ग्रामर कहे जा सकते हैं वो हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकता है, स्ट्रक्चरल हो सकता है, मॉडर्न हो सकता है, ये सारे आपके ग्रामर के भेद होते हैं। अब यहाँ से आपको मैं तीसरे टॉपिक पर ले चलूँगा जिसका उद्देश्य हो जाएगा, यहाँ से हेडिंग हो जाएगी पार्ट्स ऑफ ग्रामर। देखिए थर्ड टॉपिक पर मैं बात करूँगा पार्ट्स ऑफ ग्रामर, व्याकरण के अंग। यानी अगर किसी बच्चे को व्याकरण पढ़ना हो तो वो किन किन चीज़ों का अध्ययन करें, किन किन चीज़ों की स्टडी करें, उसको कह देंगे पार्ट्स ऑफ ग्रामर। देखिए यहाँ भी बहुत से भाग इसके बांटे जा सकते हैं, कई खंडों में इसे समझाया जा सकता है, लेकिन जो प्रोमिनेंट पार्ट है उस पर मैं आपको प्रकाश डालूँगा। ये जो पार्ट्स ऑफ ग्रामर है स्टूडेंट्स, इसको हम तीन भागों में मेनली बांट लेंगे। एक को कह देंगे फंक्शनल ग्रामर, दूसरे को हम कह देंगे कंपोजिशन, वो भी ग्रामर का ही भाग है, और एक को कह देंगे कॉम्प्रिहेंशन। ये आपके व्याकरण के तीन मुख्य अंग हो गए, और स्टूडेंट्स तर्क की कसौटी पर अगर आप इसको रखेंगे तो इन तीनों अंगों को अगर पढ़ा जाए तो हमारा क्या विकास होगा, द फोर डिफरेंट स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज। इन तीनों में कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हम भाषाई कौशल को विकसित करेंगे, जैसा मैंने कल बताया था। यानी व्याकरण पढ़ने का हेतु यही है कि भाषा की शुद्धता को बनाए रखा जाए, उसके जो चार स्किल्स हैं उसमें निपुणता बनाई रखी जाए। अब ये देखिए फंक्शनल ग्रामर क्या है, वह ग्रामर का पार्ट होता है जिसमें ग्रामर के नियमों का हम अध्ययन करते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं, ये सीखते हैं कि किस नियम का प्रयोग कैसा होता है, कौन सा नियम कैसे बना, उसका क्या लाज होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, इसकी पूरी स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रामर। आजकल तो कई ग्रामर के बुक पे टाइटल लिखा रहता है फंक्शनल ग्रामर। कंपोजिशन, ये ग्रामर का वो पार्ट होता है जहाँ पे आपने जो फंक्शनल ग्रामर में सीखा होता है उसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने का समय होता है, यानी इसको कह सकते हैं राइटिंग स्किल, कि आपने जो ग्रामर में सीखा है, जो भी फंक्शनल आपने थ्योरीज पढ़ा है, अगर उसको राइटिंग स्किल में अगर आपको कन्वर्ट करना हो, जैसे लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, नोटिस लिखना है, डायरी लिखना है, तो हाउ यू विल राइट, तो जो भी आपने फंक्शनल ग्रामर में पढ़ा है उसको अगर कोड करना हो किसी चित्र में, सिंबल में, तो आप क्या करेंगे, बोले कंपोजिशन। तो पूरे उस ग्रामर के भाग को हम कंपोजिशन कहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी पक्ष होता है जिसमें कहीं दिया हुआ ग्रामर है, कहीं दिया हुआ पोर्शन है, उसको हमें उसमें से ऑब्जॉर्व करना है, क्या ग्रामर का नियम लग रहा है, जिसको रीडिंग स्किल में आप देखते हैं, वो हो जाएगा कंप्रीहेंशन। तो ग्रामर का जो मेन पार्ट है स्टूडेंट्स वो ये तीन ही है। अब यहाँ पे देखिए जो कंपोजिशन है और जो कॉम्प्रिहेंशन है, इसकी चर्चा मैंने शॉर्ट में कभी किसी वीडियो में किया था। रीडिंग स्किल या आने वाले दिनों में भी उसको डीपली बनाना है कि रीडिंग और राइटिंग क्या होता है। तो अब यहाँ मेन पकड़ते हैं फंक्शनल ग्रामर, इसको भी आगे आप चाहें तो तीन भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, ये सभी कई भागों में जाएंगे, लेकिन यहाँ जो मुझे मेन पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। फंक्शनल ग्रामर का पहला पार्ट आप जो कर देंगे वो हो जाएगा फोनोलॉजी, ठीक है, और ये हो जाएगा मॉर्फोलॉजी। और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा
सिंटैक्स, इसमें पूरा ग्रामर आ गया। इसे फंक्शनल ग्रामर का पार्ट कहते हैं। कुछ चैप्टर फोनोलॉजी के होते हैं, कुछ चैप्टर मॉर्फोलॉजी के होंगे, कुछ चैप्टर सिंटैक्स के होंगे। ये तीनों पार्ट अगर आपका तैयार होता है तो फंक्शनल ग्रामर आपका तैयार हो गया, कंपोजिशन कंप्रिहेंशन नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा समझते हैं। फोनोलॉजी को आप समझ लो, ये है वर्ण विचार, यानी फोनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ ग्रामर, इज द पार्ट ऑफ ग्रामर वेयर वी इन विच पार्ट वी लर्न हाउ ए वर्ड इज फ्रेम्ड, हाउ ए वर्ड इज स्पेल्ड एंड हाउ ए वर्ड इज प्रोनाउंस्ड। वर्ण से जुड़ा जितना ज्ञान हो सकता है, जो जैसे मान लो वर्ण से जुड़ा मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई जिसको साउंड स्पीच कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में, साउंड स्पीच आप पढ़ेंगे आगे चल के, अक्षरों का निर्माण, तो कोई अक्षर कैसे बना, जब हम ध्वनि देते हैं च, फिर उसका फॉर्मेशन कैसे बना, तो किसी अक्षर का निर्माण कैसे हुआ, फिर उसका उच्चारण कैसे हो, अगर किसी वर्ड में उसकी स्पेलिंग बन रही है तो उसका निर्धारण कैसे हो, तो ये सारा जो स्टडी है वो फोनोलॉजी में किया जाता है। इसको केवल ध्वनि से जोड़ के ना देखें, इसमें केवल अक्षरों के उच्चारण का ही ये शास्त्र है, ये पूरा वर्ण विचार है। उसी तरह मॉर्फोलॉजी है, इसमें वर्णों की सहायता से शब्दों का निर्माण कैसे होता है, वह शब्द किस क्लास का है, उसका यूज क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब का वर्ड का क्लास आर्डर के, वर्ड क्लास आर्डर क्या है, वर्ड का कैसे यूज हो सकता है अन्य फॉर्मों में, पूरा ये शब्द विचार की बात करता है। हाउ ए वर्ड इज फॉर्म्ड, हाउ ए वर्ड इज यूज्ड एंड हाउ ए वर्ड इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। एडवर्ब है तो वर्ब कैसे बनाया जा सकता है, नाउन है तो उसको हम वर्ब कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये शब्दों का जो पूरा अध्ययन है उसको शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है। और सिंटैक्स, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स टू केयर टोटली अपॉन ए सेंटेंस, यानी पूरा वाक्य हमारा अकॉर्डिंग टू ग्रामर करेक्ट है कि नहीं। अभी सिंटैक्स में ये सब इम्प्लाइड हो जाते हैं, वो आपका पंक्चुएशन हो, चाहे वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो, चाहे उसका एक, अब मान लीजिए कोई सेंटेंस आप बोल रहे हो तो सेंटेंस में हर, पहले तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, उसमें पंक्चुएशन भी होना चाहिए, फिर उसमें हर वर्ड सही होना चाहिए, वर्ड के अंदर का लेटर और स्पेलिंग भी सही होना चाहिए, तो इन सभी बातों का सिंटैक्स में ध्यान देते हैं। तो ये ब्रॉडली जो है ग्रामर के तीन पार्ट होते हैं, और इन सबका जो उद्देश्य स्टूडेंट जब आप करते हैं तो इन सबका टारगेट यही होता है कि आपके जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको बल मिले और उनका परिवर्तन है जो आज के टाइम में नहीं हो रहा है। हम लोग ग्रामर पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन उसको अपने स्पीकिंग में, उसको अपने रीडिंग के में, उसको अपने राइटिंग में या लिसनिंग में यूज़ बहुत कम करते हैं। अगर इसको हम यूज़ करें तो यह व्याकरण हमारी भाषा को वैसे ही संरक्षण देगी जैसे एक आचार्य या पिता अपने पुत्र को देता है। आई होप आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आने वाले दिनों में हम लोग फिर, अब ग्रामर का कोई भी टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये नहीं लगेगा कि हमने ग्रामर के बारे में हम नहीं जानते हैं या लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते हैं। आने वाले दिनों में ग्रामर के जो भी वीडियोस होंगे, जिस चैप्टर में से मान लीजिए प्रेजेंट के चार टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि कोई और भी चैप्टर शुरू होता है तो आप क्रम से जाएंगे यूट्यूब चैनल पर तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। आई होप आप सबने इन्जॉय किया होगा, आप घर पर पढ़ रहे होंगे। एंड एट लास्ट विश यू ऑल बी सेफ एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक्स।